स्वागत है आपका दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 आर्टिकल, है ना। उसमें से एक पहला आर्टिकल है स्कूली शिक्षा में सुधार का सही उपाय। तो ये हालांकि ये आर्टिकल तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं यहाँ पास डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सेम एज इट इज़ जो यहाँ पास से स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित जो वाउचर का यहाँ पास से ये मतलब कि लेखक ने मतलब प्रावधान किए हैं, तो इसी तरह का आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि डॉक्टर भरत झुंझुनवाला जी का आर्टिकल था। तो इसको मतलब कि इसमें कोई नया पॉइंट नहीं देखने को मिला, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, जिसमें से देश में बदलाव के साथ बढ़ती सामूहिक सकारात्मकता, ये एक एडिटोरियल है जो कि थोड़ा पराली से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें से मतलब कि किस प्रकार से जो है, तो इसमें से जन सहयोग और कॉरपोरेट सेक्टर की भी जो भूमिका है ना, तो उससे मिलकर किस प्रकार से इन चीज़ों से निपटा जा सकता है और किस प्रकार से जो नए कदम भी उठाए जा रहे हैं, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट अपना आर्टिकल जो है, तो ये आर्टिकल है डॉक्टर भरत झुंझुनवाला जी का आर्टिकल है, जो कि बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। वैसे भी इनका इनकी इकोनॉमिक्स वैसे पूरी तरह से एक प्रकार से इनके जो भी सुझाव होते हैं तो काफ़ी व्यवहारात्मक सुझाव होते हैं, है ना। तो यहाँ पास हालांकि एक चीज़ ज़्यादा मतलब कि देखना मतलब कि दिलचस्प होगा कि ये सेम जो पहले जो कि भरत झुंझुनवाला जी ने जो ट्रेड वार को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समर्थन किया कि भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मतलब कि इसको देखा जाना चाहिए, तो ठीक यहाँ पास जो है, तो इस आर्टिकल में इन्होंने क्या किया कि एक प्रकार से जिस प्रकार से अमेरिका जो है तो प्रोटेक्शनिज्म की अब नीति जो है तो अपना रहा है अपने बाजार को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी तरह से ये भी मतलब कि सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत को भी लगभग लगभग अब उसी तरह की जो पॉलिसीज़ को अपनाने की ज़रूरत है ना। संरक्षणवाद को भारत को ही बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा रोज़गार क्रिएट होंगे, है ना। और जो हमारा मतलब कि इकोनॉमी उसमें भी एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ग्रोथ देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से विस्तार से डिस्कस करेंगे। अपना ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है, तो ये जो आर्टिकल तीनों आर्टिकल हैं, तो इन तीनों ये तीनों आर्टिकल जो है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, जो कि भुखमरी का भी जो हाल ही में सूचकांक आया था, तो उसमें से जो भारत की स्थिति है ना, तो उसमें से क्या किस प्रकार की मतलब कि यहाँ पास इससे रिलेटेड कुछ चुनौतियाँ भी हैं, साथ ही साथ ये जो आर्टिकल है तो इसी के एक अगेंस्ट में है कि ये जो है तो इस ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ना, तो इस रिपोर्ट से अलग हट करके इसकी मतलब कि एक प्रकार से इसको क्रिटिसाइज करता है, और साथ ही साथ जो है तो भारत की स्थिति के बारे में कुछ नए डायमेंशन ये आर्टिकल देता है, तो इससे संबंधित इसको हम डिस्कस करेंगे, और इन तीनों ही आर्टिकल को हम कंबाइंड करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। जैसे कि पहले यदि हम इसमें ये बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पास देश में बदलाव के साथ बढ़ती जैसे सामूहिक सकारात्मकता की बात करते हैं, जैसे कि पराली की समस्या तो आए दिन मतलब कि हर साल ही ये समस्या देखने को मिलती है ना। जैसे पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जैसे कि जो पराली डंठल बचता है तो उसको किसान क्या कर देते हैं कि वो मतलब कि उसको खेत में ही रख करके उसमें आग लगा देते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा बेटर भी मतलब कि उनके आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा है, और उनको एक प्रकार से इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सहजता भी महसूस होती है, तो उसको क्या कर देते हैं कि बिना पर्यावरण को ध्यान में रखे हुए, है ना, इसको एक प्रकार से वो उसमें जला देते हैं। तो इससे हालांकि जैसे कि प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती ही रहती हैं दिल्ली NCR में, इस तरह की घटना मतलब कि इसी इन्हीं कारणों से, है ना। तो इसके लिए क्या है कि एक प्रकार से जैसे कि कुछ यदि विकल्प के तौर पे देखा जा सकता है कि इसको जलाने के बजाय यदि इसका एक प्रकार से बेहतर तरीके से इसको खाद बना करके भी, जो कि खेत के लिए मिट्टी मृदा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से उर्वरता के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है, तो एक खाद भी इसका एक बेहतर विकल्प हो सकता है ना। लेकिन किसान यही आर्थिक कारणों के कारण जो है तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। साथ ही साथ ही उनकी जो है तो जिस प्रकार से आग लगा देते हैं मृदा में, तो निश्चित तौर पर जो तो जो ज़मीन होती है तो उसकी नमी जो होती है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तो इससे जो है तो मिट्टी की जो उर्वरता होती है तो वो भी एक प्रकार से प्रभावित होती है ना। तो इसकी यदि इसको रोकने की दिशा में यदि बात की जाए तो सरकार जो है तो कुछ जैसे दंडात्मक और प्रोत्साहन योजनाएं भी जो चला रही है सरकार, तो वो ज़्यादा मतलब कि सफल कारगर नहीं होती दिख रही हैं, तो उसके पीछे कुछ राजनीतिक मामले भी मतलब कि देखे जा सकते हैं, राजनीतिक कारण भी इसके लिए हो सकता है ना, कि ज़्यादा सरकार उसमें ज़्यादा मतलब कि कठोर कदम नहीं उठा रही है। लेकिन इसी संदर्भ में यदि बात करें जैसे प्रमुख उद्योग हैं और वाणिज्य संगठन CII की बात करें, तो उसका एक फैसला काफ़ी ज़्यादा मतलब कि
सराहनीय यहाँ पर देखा जा सकता है कि जैसे कि बड़े औद्योगिक समूह जो है तो क्या कर रहे हैं कि ये लगभग लगभग 100-100 गांवों को गोद ले रहे हैं, है ना। और ये क्या करेंगे, इससे इनका मतलब इसके पीछे ये वो है कि जब ये इन गांवों को मतलब वो करके मतलब कि अपने उसमें लेकर के उनको एक प्रकार से कह सकते हैं आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे इस दृष्टिकोण से, है ना। जैसे उन्हें एक प्रकार से मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही साथ उन्हें एक प्रकार से फाइनेंशियल मदद भी दी जाएगी, है ना, आर्थिक मदद भी उनको दी जाएगी, तो जिससे जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से मतलब कि ग्रो कर सकें, है ना। तो इससे निश्चित तौर पे जो है तो एक प्रकार से सकारात्मक इसको कदम माना भी जा सकता है। जी यदि यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से औद्योगिक समूहों का एक प्रकार से ये एक इसको सामाजिक सरोकार से एक प्रकार से जुड़ने का ये जो दृष्टि परिवर्तन है, एक निश्चित तौर पे एक बेहतरीन और सकारात्मक कदम इसको माना जा सकता है ना। इसको एक प्रकार से भारत में एक सामाजिक बदलाव के तौर पे भी देखा जाना चाहिए। इसी तरह जैसे कि पंजाब राज्य में भी कुछ और भी जैसे हम उदाहरण की बात करें तो जैसे पंजाब राज्य विज्ञान और तकनीकी परिषद का भी इसी प्रकार का एक इनिशिएटिव देखने को मिला, एक राज्य प्रदूषण बोर्ड का प्रयास था उसमें, जैसे कि इन्होंने वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग किया कि जो ईंट बनाने का एक नया तरीका इन्होंने खोजा। इसमें क्या होता है कि प्रदूषण ज़्यादा मतलब कि नहीं होता, क्योंकि वैसे भी ईंटों के भट्टों से बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलती है ना। वो तो इसलिए इस संदर्भ में भी मतलब कि इसको बहुत बेहतरीन मतलब वो प्रयास कहा जा सकता है। इसमें अब क्या है कि लगभग लगभग इनके नए प्रयोग से लगभग 20% जो है तो प्रदूषण में काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से, साथ ही साथ तो प्रदूषण में तो कमी आएगी, प्रदूषण में लगभग कमी आएगी ही, साथ ही साथ जो है तो ईंधन जो है तो ईंट बनाने में लगने वाला ईंधन में हुए तो 20% की कमी हो गई, है ना, यानी कि इतनी ज़्यादा उनको एक प्रकार से सहूलियत मिली। और साथ ही साथ जैसे कि इसमें क्या कि इस तकनीक से जो है तो उनके जो लागत थी तो उसमें जो है तो लगभग 20% जो कोयला की खपत थी वो भी अब इससे कम होगी, तो ये भी एक प्रकार से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से सहायक साबित होगा। वहीं प्रदूषण के दृष्टिकोण से बात की जाए तो प्रदूषण में भी लगभग लगभग 70% की कमी आएगी, है ना। तो जो कि हर दृष्टिकोण से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से बेहतरीन इसको माना जा सकता है कि जहाँ ईंधन की भी कम खपत होगी, है ना, वहीं हमारे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से प्रोटेक्ट ही होगा, है ना। साथ ही साथ जो है तो उनकी किसानों की जो लागत है तो वो भी कम आएगी, तो इससे क्या होगा कि वो भी एक प्रकार से आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। तो निश्चित तौर पे जो होती है बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव माना जा सकता है। और वहीं यदि बात करते हैं कि ईंट वाले जैसे ये भट्टे वगैरह होते तो इसमें लगभग 60 लाख मजदूर इसमें काम करते थे, यानी इतने बड़े समूह का एक प्रकार से ये रोजगार देने का भी काम करते हैं। तो ये एक प्रकार से इस छोटी सी तकनीक में यदि मतलब कि सुधार बेहतर तरीके से प्रयोग में यदि बड़ा परिवर्तन हो जाता है तो एक बहुत ही इसको बेहतर और कारगर प्रयोग भी माना जा सकता है। और निश्चित तौर पे एक बहुत ही मतलब कि देश के निर्माण में एक बेहतर इसको कदम भी माना जा सकता है। उसी संदर्भ में जैसे कि बायो टॉयलेट वगैरह भी है तो ये भी एक बेहतर इनिशिएटिव माना जा सकता है ना सरकार का। तो यदि आज मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक समाज का जो टेम्परामेंट था, माइंडसेट था, तो एक प्रकार से जो है तो बेहतर तरीके से इसमें भी बदलाव देखना जा रहा है, मतलब कि एक प्रकार से बिहेवियरल चेंजेस कह सकते हैं कि व्यवहारात्मक बदलाव लोगों में आने लगा है ना। जैसे कि पहले क्या मतलब कि लोग जैसे छोटी छोटी चीज़ों में एक प्रकार से सांप्रदायिक या धर्म के नाम पर जो बहुत ज़्यादा मतलब कि कट्टरता की मतलब कि जातिवाद इनमें ही लोग बटे हुए थे, तो उसकी जगह पे अब लोग जो है तो निश्चित तौर पे बदलते भारत में एक प्रकार से अब लोग इन चीज़ों को सामाजिक जो बदलाव की चीज़ें हैं तो उसमें भी लोग अब ध्यान देने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर ये भारत के विकास के लिए चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक, तो उसके लिए एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा एक सकारात्मक इसको दृष्टिकोण माना जा सकता है, जो कि भारत के लिए दीर्घकालीन बहुत ही फायदेमंद भी साबित होगा, है ना। अब हम चलते हैं कि ये अपना आर्टिकल डॉक्टर भरत झुंझुनवाला जी का आर्टिकल है, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है कि संरक्षणवाद से ही सधेंगे घरेलू हित, है ना। अभी तक तो क्या होता था कि जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वार जो छिड़ा हुआ था, है ना, जो अमेरिका संरक्षणवाद की पॉलिसी अपना रहा था, तो उससे जो है तो कई अर्थशास्त्री तो इसको एक प्रकार से भारत के लिए एक बेहतरीन इसको अवसर के तौर पे भी देख रहे थे, है ना। और अब भी जो है तो कई अर्थशास्त्रियों के ऐसे व्यू भी देखने को मिलते हैं कि वो एक प्रकार से इसको भारत के लिए बेहतर अवसर ही मानते हैं, कि जैसे कि ये ट्रेड वार छिड़ा हुआ तो अमेरिका जो है तो चीन की जो आयात है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देता है ना। तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा जाता है जिससे क्या होता है कि अमेरिका में तो उनकी वहाँ का जो बाज़ार है तो प्रोटेक्ट हो जाता है, वहीं चीन का जो माल है तो उसको एक प्रकार से वो प्रभावित होता है। तो इसके एवज में चीन ने भी यही काम किया,
है ना, तो अमेरिका की वस्तु पर उसने भी इसी तरह से टैरिफ ज़्यादा बढ़ा दी। तो इससे इन दोनों में जो ट्रेड वार छिड़ गया था, तो इसके संदर्भ में ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा था कि ये जहाँ पास चीन में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं है ना, तो निश्चित तौर पर उनके गुड्स वगैरह है, तो जहाँ अमेरिका एक बेहतर मार्केट, बड़ा मार्केट था चीन के लिए, तो अब वो जो माल है तो वो बड़ा बाजार जो है तो निश्चित तौर पे नहीं मिलेगा। तो वहाँ पास जो है तो मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो हैं तो वहाँ से जो है तो चीन से अब दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर देंगी। तो ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा था कि इससे जो है तो भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये भारत को एक प्रकार से अवसर के तौर पर देखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पास से जो डॉक्टर भरत जूनवाला जी का जो व्यू है, तो ठीक उनका मतलब कि ये तो ठीक ही पहले से ये व्यू रहा ही है, लेकिन जो है तो इन्होंने एक बेहतर मतलब कि एक नया डायमेंशन दिया है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने संरक्षणवाद को बढ़ावा मतलब दे रहा है अमेरिका पिछले 2 सालों से, उसी प्रकार से अब भारत को भी वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो भारत को भी इसी तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है ना। तभी जो है तो भारत बेहतर रोजगार है ना, और साथ ही साथ अपने अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से बैलेंस कर पाएगा, है ना। तो ये जैसे कि यदि बात करते हैं कि IMF का भी यही मानना है कि जैसे ये ट्रेड वार अमेरिका और चीन के बीच हो रहा है, तो उससे जो है तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। हालांकि IMF वगैरह है तो ये एक प्रकार से मुक्त व्यापार का एक प्रकार से सपोर्ट ही करते हैं, है ना। तो वहीं कई अर्थशास्त्री भी ये मानते रहे हैं कि संपूर्ण जो विश्व का एक बाजार होने पर जो है तो तमाम देशों में जो सबसे बेहतर होगा वही माल का उत्पादन करेगा, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पास राइटर ने बेहतरीन उदाहरण भी दिया है कि जैसे इसका तो मतलब फिर ऐसा है कि जैसे कोई कार है ना, तो किसी कार की जो उत्पादन होगी, तो उत्पादन जो कोई कार का उत्पादन करता है, तो मसलन जो किसी कार की उत्पादन लागत है तो भारत में लगभग 5 लाख रुपए, ठीक, और अमेरिका में वो 7 लाख रुपए है। तो मुक्त व्यापार का जब सिद्धांत हो जाएगा तो उसके अनुसार तो फिर इस परिस्थिति में क्या है कि कार का उत्पादन जो है तो भारत में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पास कम उत्पादन लागत आती है ना। तो जब कम उत्पादन लागत आती है और यहीं से उत्पादन करके, भारत से उत्पादन करके अमेरिका को निर्यात कर दिया जाए, तो निर्यात करने पे कितना भी चार्ज आप बढ़ा दोगे तो 5 लाख से मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख, फिर भी ये 6 लाख जो है तो अमेरिका के, जो अमेरिका में ज़्यादा लागत आती है 7 लाख आती है, तो उससे तो 1 लाख मतलब कम ही है। यानी कि यहाँ पास तो यदि हम मुक्त व्यापार का भी समर्थन करते हैं, फिर भी जो है तो भारत का व्यापार बाजार जो है तो बेहतर इस मामले में फिर हो जाएगा, है ना। तो यहीं पास से अमेरिका को क्यों ना निर्यात कर दिया जाए। तो अर्थशास्त्री मानते हैं कि जो मुक्त व्यापार है तो उससे विश्व के सभी उपभोक्ताओं को सस्ता माल उपलब्ध होता है, ठीक है। तो इससे तो निश्चित तौर पे अमेरिका को सस्ता माल उपलब्ध ही हो रहा है, 6 लाख की कार मिल रही है जहाँ वहाँ पास 7 लाख लग रहा है, लागत आ रही है। तो यहाँ पास 6 लाख भारत से भी वो इम्पोर्ट करता तो 6 लाख लगेगी, है ना, लागत। लेकिन इससे यहाँ पास मतलब कि माना जाता था कि उन्हें वहाँ के लोगों को, उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिलेगा, साथ ही साथ उनके जब सस्ता माल मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनके जीवन स्तर में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा, ठीक। इसी के आधार पर यदि अप्लाई इसी चीज़ को कर दिया जाए, तो इसी आधार पर चीन जो है तो चीन ने भी यही काम किया ना, मुक्त व्यापार का उसने फ़ायदा ही तो उठाया है। और चीन में भी जो है तो काफ़ी सस्ती मात्रा में, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा वहाँ पर श्रम लागत वैसे ही बहुत ही कम है, तो जो है तो बहुत ज़्यादा माल उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो कर लिया, ठीक है। अब जो है तो दूसरे देशों पे इसी मुक्त व्यापार का फ़ायदा उठा उठा करके बेच दिया। तब जब ज़्यादा दूसरे देशों में जब डंप हो गए मामले सामान, तो उसका उसके यहाँ उसने तो मुक्त व्यापार का फ़ायदा उठाया, लेकिन जो जिस देश पे उसने अपने सस्ते मालों को बेचा है, तो बेशक वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधार हुआ, ठीक है, वहाँ पास लोगों को चीज़ें जो है तो काफ़ी सस्ते मात्रा में मिलने लगी, लेकिन जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है तो वो तो पूरी तरह से एक प्रकार से डिक्लाइन कर जाएगी ना। वो तो फिर पूरी तरह से चाइना की उस पर डिपेंड हो जाएगी कि वहाँ का जो माल है तो उसी पे पूरी एक प्रकार से जो है तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, और अपने जो बाजार है तो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, है ना। उस पर वो लोग फिर क्यों कोई प्रोड्यूस करेंगे जब उन्हें सस्ता मिल रहा है, उससे बेहतर विकल्प मिल रहा है, तो क्यों कोई मतलब कि उस पर अपना बेस्ट करेगा, है ना। तो इसी के संदर्भ में जैसे यदि बात करते हैं कि चीन जो है तो इसी उस पर जो है तो मतलब कि पूरी तरह से पूरे विश्व में ही जो है तो अपने मतलब कि एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है इसी उससे। तो प्रश्न ये है कि तब क्या है कि अमेरिका को चीन से आयात होने वाले जो माल है तो उस पर आयात कर क्यों बढ़ाने पड़े, है ना। निश्चित तौर पे फिर ये तो इसी के संदर्भ में अमेरिका के कदम भी इसको माना जा सकता है
ना, तो इसके पीछे यही कारण है कि जैसे रोजगार में क्या है कि अमेरिका जो है तो उसमें रोजगार सृजित नहीं हो रहे थे, है ना। सेम वही प्रॉब्लम है वहाँ पास, जब चीन खूब ज़्यादा निर्यात अपना कर रहा था तो वहाँ पास जो फैक्ट्रियाँ थी तो उन चीज़ों का फिर क्यों उत्पादन करें, क्योंकि वहाँ पास तो ऑलरेडी लागत बहुत ज़्यादा आती है ना उन्हीं चीज़ों की, जिनकी चीन जो है तो सप्लाई कर दे रहा है। तो वहाँ पास जो है तो रोज़गार, जब फैक्ट्रियाँ नहीं खुलेंगी तो रोज़गार के अवसर बिल्कुल ही कम होते चले गए, तो वहाँ पास लोग एक प्रकार से बेरोजगारी का लेवल ज़्यादा बढ़ गया। तो अमेरिका की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो एक प्रकार से तमाम वस्तुओं का जो उत्पादन है तो चीन, भारत, वियतनाम आदि देशों पर किया जा रहा है ना, और फिर उन्हीं चीज़ों को वही अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो हैं तो यहाँ दूसरे देशों में उत्पादन करती हैं और वहीं से अमेरिका में एक्सपोर्ट हो जाता है ना, वो देश जो होता है अमेरिका में उन चीज़ों को बेचते हैं। तो इससे जो है तो अमेरिकी उपभोक्ताओं को सस्ता माल तो मिल जा रहा है, लेकिन अमेरिका के जो श्रमिक हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ठीक, वही प्रॉब्लम है ना। तो रोज़गार के अवसर चीन, भारत तथा वियतनाम में सृजित हो रहे हैं क्योंकि कंपनियां यहाँ खुल रही हैं, है ना, और अमेरिका का जो रोज़गार होना चाहिए मतलब तो वहाँ श्रमिकों को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पास कंपनियाँ हैं तो यहाँ मिल रहा है लोगों को। तो इसी इन्हीं चीज़ को ट्रंप ने, मतलब कि इसको बेहतर तरीके से उन्होंने भांप लिया इन्हीं चीज़ों को, और उन्होंने अपने नागरिकों के जो रोज़गार है तो उसी रोज़गार को बचाने के लिए उन्होंने इस संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया, है ना। और उन्होंने मतलब कि ये फैसला लिया कि अब जो है तो उपभोक्ताओं को चीन में बना सस्ता माल उपलब्ध कराने के बजाय अमेरिकी श्रमिकों को रोज़गार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। वो एक प्रकार से सस्ता माल ना हो तो वो चल जाएगा, लेकिन रोज़गार हो तो वो ज़्यादा बेहतर है ना। वो उसके यदि लोगों के पास पैसा आएगा तो वो तो फिर एफर्ड कर सकते हैं कि अपेक्षाकृत महंगा भी हो जाए, है ना। लेकिन यदि इनकम ही लोगों के पास नहीं है तो कोई चीज़ कितनी ही सस्ती क्यों ना हो, है ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उस चीज़ का। तो वही बात है कि यदि अमेरिका में उत्पादन लागत ज़्यादा आती है तो अमेरिकी उपभोक्ता उसे वहन कर सकते हैं, जब उनके पास रोज़गार होगा तो उनके पास इनकम का सोर्स भी होगा, तो भले ही वो चीज़ महंगी हो, है ना। और सस्ते माल और रोज़गार के बीच यही अंतर विरोध भी है, तो मुक्त व्यापार से अमेरिका को जो सस्ता माल तो मिल रहा है लेकिन रोज़गार वहाँ पास नहीं मिल रहे हैं, रोज़गार बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। तो इन कंपनियों के लिए यही एक प्रकार से, कंपनियों की दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये तो उनके लिए ज़्यादा फायदा है कि वो उन्हीं देश पे ज़्यादा मतलब उत्पादन करना पसंद करें जहाँ उनको एक प्रकार से सस्ता श्रम मिले, है ना, और प्रदूषण संबंधी जो कठोर नियम कानून है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कठोर ना हो, है ना। तो वहीं पास मतलब कि उनको ज़्यादा बाधाएं जहाँ पास ना होंगी वो वहीं पास अपना व्यापार करना पसंद करेंगी, है ना, वहीं अपनी फैक्ट्रियाँ खोलेंगी। तो अमेरिकी कंपनियां तो चाहती हैं कि राष्ट्रपति जो है वहाँ ट्रेड वार से, एक प्रकार से जो ट्रेड वार अमेरिका ट्रंप ने कर रखा है तो उसको एक प्रकार से वो कम करें, है ना, धीरे धीरे उसको एक प्रकार से समाप्त करें, और मुक्त व्यापार को अपनाने की मतलब की वकालत कर रही हैं कंपनियाँ। जिससे क्या हो कि कंपनियों को भी इससे वो पूरे विश्व में कहीं भी अपना वो कर सकती हैं, है ना। तो जैसे कि बात करें कि IMF भी मुक्त व्यापार का समर्थन ही कर रहा है, जैसे कि वो कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी संपूर्ण विश्व में मतलब कि विचरण करेंगे तो पूरी दुनिया के उपभोक्ताओं को ही सस्ता माल मिलेगा। ठीक है, सस्ता माल तो मिल रहा है ना, लेकिन IMF के पास इसका जवाब नहीं है कि यदि उत्पादन चीन में होगा तो अमेरिका को रोज़गार कैसे मिलेगा। सस्ता माल तो ठीक है लेकिन रोज़गार कैसे मिलेगा, रोज़गार भी तो एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो इसी संदर्भ में बात करें तो ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमेरिका से, जैसे इनकी भी कुछ डिमांड है कि अमेरिका में जो ज़्यादा मतलब कि दुग्ध उत्पाद चीज़ होती है जैसे कि मक्खन है, चीज पनीर वगैरह है, तो उनको चीन जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा आयात करे अमेरिका से, है ना, उसमें कुछ छूट दे जिससे कि अमेरिकी किसानों के लिए भी ज़्यादा मतलब कि कुछ ठीक अवसर मिल सके, है ना। तो जैसे कि मतलब कि दोनों ही देशों के हित इसी में मतलब कि यही है कि दोनों क्या करना चाहते हैं, अपने जनता को रोज़गार का संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं और रोज़गार बढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं। तो भारत के समक्ष भी दो ही विकल्प है फिर इस परिस्थिति में, है ना। वो एक तो ये करे कि जो IMF की तर्ज पर कि जैसे कि ट्रेड वार को समाप्त करे और संपूर्ण विश्व के एक बाज़ार बनाने की वकालत करे भारत के पास, एक तो ये विकल्प है ना, जिससे कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी क्या हो कि सस्ता माल उपलब्ध हो, एक तो ये हो सकता है। और दूसरा भारत ये भी मतलब कि ये फ़ायदा हो सकता है भारत को कि चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार हो रहा है तो उससे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन को छोड़ करके दूसरे विकासशील देशों का रुख कर रही हैं, जैसे कि एप्पल अभी हाल ही में देखा जाए कि वियतनाम में उसने अपने कारोबार शुरू किया है, तो वहीं फॉक्सकॉन कंपनी भी भारत में आई है ना। तो हम प्रयास ये भी कर सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ चीन से बाहर जा रही हैं तो उन्हें भारत में आकर के उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक, लेकिन
ठीक वही समस्या आगे, क्या इसकी कोई निश्चितता नहीं है ना कि क्या पता कि वो लंबे समय तक कंपनियां टिकेंगी, जिस प्रकार से आज चीन के साथ समस्या देखने को मिल रही है ना, तो आगे क्या पता भविष्य में भारत के साथ भी इसी तरह की समस्याएं देखने को मिले, वहां भी रोजगार का इसी तरह से मसला देखने को मिल सकता है। ये तो समस्या ज्यों की त्यों बनी ही है ना कि रोजगार वाले चैलेंज तो कहीं सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो इसी संदर्भ में जैसे कि यदि देखा जाए कि यदि भारत में वो कंपनियां खुल जाती हैं तो यहाँ खुलने से भी जैसे सस्ता सामान बिकने लगेगा, तो अमेरिका जो अमेरिका की कंपनियां यहाँ खुलेंगी तो यहाँ भी तो अमेरिकी रोजगारों का एक प्रकार से हानि ही होगा ना। तो भविष्य में जैसे फॉक्सकॉन वगैरह कंपनी खुल रही हैं तो भारत में उत्पादन करने से जो अमेरिकी श्रमिकों को रोजगार का हनन तो होगा, तो इससे चलते जो अमेरिका द्वारा संरक्षणवाद का सहारा लिया गया तो फिर से भी इसी प्रकार की और भी मतलब कि एक्शन लिए जा सकते हैं। तो चीज़ें तो फिर सेम उसी तरह की घटना हो जाएंगी ना, जैसे एक कंपनी आज चीन को छोड़कर जा रही तो भारत को भी आगे मतलब कि छोड़ कर के जाने की अवसर निश्चित तौर पे मतलब कि चांसेस बनती हैं। तो दूसरी रणनीति तो भारत के पास ऐसी ये मतलब ये हो सकती है कि जो चीन की तर्ज पर हम भी क्या करें कि संरक्षणवाद को अपनाएं, मतलब कि राइटर का ऐसा सजेशन कि जिस प्रकार से अमेरिका और चीन जो है तो संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो भारत को भी इसी दिशा में मतलब कदम उठाने चाहिए, भारत को भी संरक्षणवाद को बढ़ावा देने की ज़रूरत है ना। क्योंकि भारत जैसे जिस प्रकार से चीन और अमेरिका वहाँ पास श्रमिक और किसानों को रोजगार बचाए रखने के लिए एक प्रकार से वो ट्रेड वार को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी प्रकार से भारत को भी इसी तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है। हम भी चीन से आयात होने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर भी एक प्रकार से इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा दें, है ना। तो वहीं चीनी माल के जो भारतीय बाजार में प्रवेश है उसको एक प्रकार से हतोत्साहित कर दें, इससे क्या हो कि भारत में जो उत्पादन है तो उसको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा निश्चित तौर पर, है ना। क्योंकि जब सस्ता माल नहीं आएगा है ना तो डिमांड तो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, तो उसकी जो पूर्ति है तो भारतीय यहाँ पर उत्पादन करके उसके जरिए किया जा सकता है। और ये जो रणनीति है तो निश्चित तौर पर इसके दीर्घकालिक और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो भारतीय उपभोक्ता हैं तो जैसे उनको कुछ जैसे सस्ती वस्तुएं पहले से मिलती रहती थी तो उनको उसकी जगह पे थोड़ी सी यह है कि महंगी वस्तुएं तो कुछ समय के लिए मिलेंगी लेकिन फिर इसका नुकसान की भरपाई सरकार कर सकती है ना। कैसे भारत क्या कर मतलब कि सरकार क्या कह सकती है, एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा का माहौल क्रिएट कर दे, जिससे क्या हो कि बहुत सी कंपनियां जैसे खुलेंगी तो एक प्रकार से कुशल और सस्ते माल का उत्पादन स्वतः ही होने लगेगा अपने देश में ही। तो वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी किसी देश के जो श्रमिक हैं, यदि हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ में बात करें तो उनको तो अपना लाभ ही दिखता है ना, उनको तो श्रमिकों के हित से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, तो उनकी दृष्टि में तो एक प्रकार से विश्व स्तर पर लाभ कमाना ही एकमात्र होता है, उनका मोटो होता है। तो जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने तो एक प्रकार से उनकी जो विचारधारा है तो एक प्रकार से उन्होंने सही आकलन इस चीज़ का किया है ना कि अपने देश के नागरिकों के रोजगार का संरक्षण करना, तो हमें भी उनकी रणनीति के अनुसार संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए जिससे हमारे देश के नागरिकों को रोजगार मिल सके, है ना। और जो वर्तमान संदर्भ में एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती भी है रोजगार, लगभग अभी हम पिछले मतलब कि आंकड़ों की बात करें तो लगभग 6.4% के आसपास जो बेरोजगारी की दर है, तो ये निश्चित तौर पे लगभग पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा ये दर है। तो निश्चित तौर पे भारत के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बेरोजगारी है, और महंगे माल और रोजगार के बीच जैसे हमेशा रोजगार को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देने की बात हो, ये इन दोनों के बीच अंतर्द्वंद होता है ना, महंगाई और रोजगार के बीच में। तो निश्चित तौर पे जो है तो रोजगार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है ना। तो रोजगार उपलब्ध होगा तो महंगा माल खरीदना एक प्रकार से श्रमिक को मतलब कि ज़्यादा समस्या नहीं होगी, है ना, जब रोजगार लोगों के पास होगा तो। चाहे जैसे कि बात करके श्रमिक बिना टेलीविजन के भी जीवन यापन कर सकता है यदि उसके पास रोजगार है तो, है ना। अब यही मतलब कि वहीं यदि सस्ता टेलीविजन भी यदि उपलब्ध हो लेकिन खाने के लिए रोटी ना हो यानी उसके पास रोजगार ना हो तो सस्ता टेलीविजन का क्या करेगा, है ना, किसी काम का नहीं फिर तो। उस आर्टिकल में उतना ही, बस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये अपना आर्टिकल है हंगर इंडेक्स से रिलेटेड आर्टिकल है कि यदि हम बात करते हैं कि जैसे कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2019 की, तो इसमें जो है तो भारत की रैंक जो है तो 102वें नंबर पे, मतलब कि भारत एक प्रकार से बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है अपने पड़ोसी देशों से भी। इवन बात करें कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों से भी भारत काफ़ी पीछे हो गया है। तो ये जो है तो एक प्रकार से बात करें कि जहाँ भारत एशिया की तीसरी बड़ी व दक्षिण एशिया की पहली बड़ी इकोनॉमी है, तो इस संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो ये भारत के लिए निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है ना।
इस तरह के मतलब यदि भुखमरी और कुपोषण की समस्याएं देखने को वैश्विक स्तर पर भारत इस स्थिति पे है तो निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा मतलब भारत के लिए ये चिंता का विषय है ना। और यदि हम इन मतलब कि इस चार्ट के माध्यम से यदि बात करते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जो तो इनसे तो भारत का मतलब कि बहुत ही भारत जो है तो इनसे काफ़ी पीछे है। और यदि टॉप में बात करें तो बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा है ना, कुवैत से लगभग 17 देश जो हैं तो एक प्रकार से टॉप उस पे मतलब टॉप रैंक पे हैं। और इस रिपोर्ट के संदर्भ में यदि बात करें तो ये रिपोर्ट जो है तो आयरिश कंपनी एजेंसी जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन की एक कंपनी मतलब कि जर्मन का संगठन है, जर्मनी का वेल्ट हंगर हेल्पे द्वारा, तो ये इन दोनों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया है। ये वार्षिक रिपोर्ट पब्लिश हुआ करती है, हर साल ही पब्लिश होती है ना। यदि हम इवन पिछले साल की बात करें 2018 में, तो 2018 में जो भारत की रैंकिंग थी तो 103वें नंबर पर भारत था है ना। और इस पे लेकिन उसमें 119 देशों पे वो काउंट हुई थी, और इसमें इस बार जो है तो 117 देशों में भारत की 102वीं रैंक है ना। तो हालांकि जैसे कि सुधार के लिए सरकार के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कुछ कदम उठाए भी गए हैं। जैसे कि रिपोर्ट में कहा भी गया है कि भारत ने जो है तो मृत्यु दर, कम वजन और अल्प पोषण जैसे संकेतक हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सुधार दिखाया है। यही नहीं, रिपोर्ट में तो केंद्र सरकार के जैसे स्वच्छ भारत कार्यक्रम है उसका भी मतलब कि जिक्र किया गया है ना। और साथ ही जैसे कि नए जो शौचालय के निर्माण हो रहे हैं तो उनके बाद भी जो खुले में शौच जाने संबंधित समस्याएँ भी इसमें व्यक्त की गई हैं है ना। ये स्थिति जो है तो लोगों के स्वास्थ्य को एक प्रकार से खतरे में डालती है, और नए नए सिरे से एक प्रकार से फिर से स्वास्थ्य की और सब भी समस्याएँ बढ़ जाती हैं इस संदर्भ में यदि बात की जाए तो है ना। तो जैसे कि यदि हम बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में, यदि हम बात करते हैं तो ये जो इंडेक्स जारी होता है तो ये इंडेक्स जो है तो चार पैमानों पे जारी होता है ना। अब वो चार पैमाने कौन कौन से हैं तो उन चार पैमानों में हम बात करते हैं। तो पहला संकेतक है अंडर न्यूरिशमेंट यानी कि अल्प पोषण से है, ठीक है। दूसरा पैमाने की बात करें तो ये है चाइल्ड वेस्टिंग बोले तो जो कि एक प्रकार से ऊंचाई की तुलना में उनका जो वजन होता है ना तो कम होता है, ठीक है। और तीसरे की बात करें, तीसरा संकेतक क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है मतलब कि उम्र की तुलना में उनकी जो ऊंचाई है वो कम हो, तो वो चाइल्ड स्टंटिंग हो गया। और फोर्थ है कौन सा है, चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट यानी कि बाल मृत्यु दर, ठीक है। और ये जो है तो 0 से 5 साल के बच्चों के ही बीच मतलब कि उनके उनका ही काउंट होता है, वही है इसमें 100 अंक तक दिया जाता है। इसका मतलब कि कम होता है तो वो ज़्यादा उतना बेहतर होता है, और लगभग जो ज़्यादा मतलब जिसका होता है तो उतना ही उसकी स्थिति खराब मानी जाती है। और भारत को जो अंक दिए गए हैं तो लगभग लगभग 30 के आसपास दिए गए हैं ना, 30.3 यानी गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि भारत को और भी ज़्यादा इस दिशा में मतलब कदम उठाने की ज़रूरत है ना। वहीं रिपोर्ट की बात करें तो कुछ और जैसे कि कम वजनी बच्चों की भी हिस्सेदारी मतलब कि यहाँ पास बढ़ी बढ़ी है ना। जो चाइल्ड वेस्टिंग की समस्या है मतलब कि जो 2008 से 12 की अवधि में लगभग 16.5% थी, तो 2014 से 18 में बढ़कर के 20.6% के आसपास हो गई है। तो साथ ही साथ जो है तो 6 से 23 महीने के जो बीच के सभी बच्चे तो उसमें भी लगभग केवल 9.6% को ही एक प्रकार से सही आहार मिल पा रहा है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि समस्या की बात ही है। साथ ही जो है तो क्लाइमेट चेंज का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें असर देखने को मिला है ना। ये भी एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखा है। जैसे कि रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो भूख का संकट है काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्तर पर है ना। जैसे कि जलवायु परिवर्तन से जो भोजन की गुणवत्ता है और साफ सफाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। साथ ही जो फसल से मिलने वाला जो भोजन में एक प्रकार से पोषण की जो क्षमता है तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से वो भी ज़्यादा कम हो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है ना। और साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा कि जहाँ मतलब कि 2000 के बाद जो भूख के संकट को कम तो किया गया है भारत दुनिया ने, लेकिन इस समस्या से पूरी तरह से निजात नहीं मिल पाया है। इसके लिए मतलब कि और भी ज़्यादा प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं कि कुछ आंकड़े तो हैं है ना। ये तो ठीक ही है कि इसमें कुछ मतलब कि और भी ज़्यादा यदि हम आंकड़ों के संदर्भ में बात करें तो इस पे जैसे कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इंडेक्स में ही बात करें तो यहाँ पास जैसे कि ये एक बहुत ही गंभीर बात ये भी देखने को मिली कि जो लगभग 2 साल से कम के जो बच्चे हैं
तो उनमें से लगभग 90% को जो है तो न्यूनतम जो पौष्टिक आहार होता है ना, न्यूनतम पौष्टिक आहार जो होता है तो वो नहीं मिल पा रहा है। 90% ऐसे मतलब कि बच्चों की संख्या है, तो ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इसको ये तो एक भयावह समस्या ही माना जा सकता है। जब पौष्टिक आहार ही उनको नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर उनका मतलब कि जो लेवल है मतलब कि स्वास्थ्य लेवल है ना, तो निश्चित तौर पे कहाँ से वो दक्ष नहीं हो पाएंगे। तो ये एक प्रकार से बहुत ही बड़ी समस्या भी है ना। साथ ही साथ जो यदि हम बात करें कि जो यहाँ पास कुपोषण संबंधित भारत के टारगेट की बात करके, भारत का लक्ष्य भी है कि भारत 2022 तक जो है तो कुपोषण मुक्त बनाने का प्रयासरत है ना। वहीं यदि हम SDG की बात करें तो SDG में 2030 तक जो है तो जीरो हंगर की बात करता है, ये टारगेट करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो लक्ष्य हैं, तो लक्ष्य से तो इस तरह के यदि परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो ये तो एक प्रकार से नाकाफी ही साबित हो रहे हैं, है ना। तो इसमें मतलब कि और भी ज़्यादा ठोस कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। अब हम इस ये तो एक पक्ष हो गया है ना। अब हम चलते हैं कि दूसरा पक्ष जो कि इस आर्टिकल में दिया गया है, इस डायमेंशन को समझते हैं। ये एक प्रकार से पूरी तरह से इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में बात है ना। मतलब कि उन्होंने काफ़ी मतलब उनके तर्क भी सही है ना, उन्होंने कई रिपोर्टों का हवाला भी दिया गया है राइटर के द्वारा। तो बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर राइटर का कहना है कि किसी भी रिपोर्ट को परखने का एक प्रकार से मूल कसौटी ये होगी कि पहले हम उसे गहराई से है ना, बारीकी से उसका अवलोकन करें और व्यावहारिक ढंग से भी उस पर विचार करें है ना, और अनुभव के आधार पर ही उसको एक प्रकार से कसौटियों पर ही परखने के बाद ही उस पर हम एक प्रकार से सही निष्कर्ष पर हमें पहुंचना चाहिए है ना। इसमें बताया गया कि जैसे भूख सूचकांक की जो 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102 है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार तो हमसे बेहतर स्थिति में जैसे पाकिस्तान 94, बांग्लादेश 88वें नंबर पे है ना, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनकी रैंक यानी हमसे काफ़ी बेहतर है। तो वहीं जो बात करें कि 2000 मतलब कि भारत के 2014 में यदि हम बात करें तो उसमें भारत की स्थिति जो है तो 76वें स्थान पे थी, ठीक है। और यदि हम और बात करते हैं कि जैसे कि पिछले वर्ष भारत 119 देशों में 103वें नंबर पे था, ठीक, रिपोर्ट में जो बेलारूस, बोस्निया ये जो देश हैं तो ये लगभग टॉप में थे। तो यदि हम निष्कर्ष तो इससे यही निकल रहा है कि जैसे कि हर व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो इनको निश्चित तौर पर समुचित भोजन के मामले में भारत की स्थिति मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे भुखमरी की समस्या तो बनी हुई है, लेकिन क्या इसे वाकई स्वीकार किया जा सकता है क्या, है ना। रिपोर्ट पर यहाँ पर राइटर ने प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है। अंतिम निष्कर्ष देने के पहले याद रखना जरूरी है कि ये एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ या ऐसी मान्य विश्व संस्था की रिपोर्ट नहीं है। राइटर का यह कहना है कि कोई ऑथेंटिक संस्था की रिपोर्ट नहीं है कि हम पूरी तरह से इस पे विश्वास कर सकें, है ना। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पास कि उन्होंने मतलब कि बताया कि जैसे ये तो पीयर रिव्यूड वार्षिक रिपोर्ट है जिसे कि लगभग आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्थंगर हिल्फे ने तैयार किया। तो इन दोनों संस्थाओं के प्रकार से इनका अपना नज़रिया, तो अपने नज़रिए के हिसाब से, अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के हिसाब से जो है तो ये रिपोर्ट को बनाती हैं, है ना। तो उन्होंने जैसे कि आकलन में अपने चार आधार भी तय किए कि जैसे कम पोषण है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे है ना जिनका वजन उम्र के लिहाज से कम है, साथ ही साथ चाइल्ड स्टंटिंग और वहीं शिशु मृत्यु दर, तो इनमें जो तो इनके अपने पैमाने हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट में भारत को लगभग 30.3 अंक भी दिए गए हैं, यानी गंभीर स्थिति। तो हमारे देश में बड़ी आबादी के भोजन में तो पोषक तत्वों की कमी की समस्या है, ठीक है, ये तो ठीक ही है। साथ ही जैसे बच्चे और महिला हैं उनको, उनमें भी कुपोषण के कारण बीमार पड़ना ये भी एक मतलब कि भयावह सच ही है। इससे संबंधित अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग आंकड़े भी हैं, हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर जैसे कि राइटर ने कई आंकड़ों का हवाला भी दिया है, कई डाटा का। जैसे कि उन्होंने बताया कि यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 5 साल से कम उम्र के लगभग 70 करोड़ बच्चों में से एक तिहाई या तो कुपोषित हैं या मोटापे से जूझ रहे हैं, है ना, लगभग 70 करोड़। तो वही 70 करोड़ में से वही स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन नामक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर बताया गया कि इससे लगभग आजीवन बच्चों की बीमारियों से ग्रस्त होने का एक प्रकार से खतरा तो बढ़ ही जाता है यदि कुपोषण की समस्या ज़्यादा है। तो इन सब के बावजूद यह स्वीकार करना मुश्किल है कि भारत में भुखमरी की समस्या भयावह है ना। यहाँ पर मतलब कि राइटर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भारत में जो भुखमरी का मतलब की समस्या है तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। पिछले कई वर्षों में जैसे भूख से मरने वालों की संख्या ना के बराबर, इन्होंने मतलब बताया है कि जो व्यवहार की बात करें तो इस तरह की मतलब घटनाएं तो बहुत ही कम देखने को मिली हैं।
कि भूख से लोग मर रहे हैं। वहीं सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर बहुत ही ज़्यादा जिस प्रकार से कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, है ना, इतना ज़्यादा इनिशिएटिव सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, फिर भी भारत किस प्रकार की स्थिति कैसे हो सकती है कि अपने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे मतलब कि भारत से भी काफ़ी निचली स्तर के ये देश जो हैं तो भारत से बेहतर इस स्तर पर कैसे हो सकते हैं, है ना। वहीं खाद्य सुरक्षा कानून जैसे जो नियम है जो कि पूरी प्रकार से एक प्रकार से खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करते हैं, है ना, लोगों की खाद्य सुरक्षा संबंधित पूरी ध्यान रखते हैं, तो उससे संबंधित इस तरह के सरकार द्वारा कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि सस्ता अनाज है लोगों को मिल रहा है PDS वगैरह से, है ना। साथ ही जैसे वृद्धावस्था पेंशन भी है, इनका भी ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं बच्चों के स्कूल में भी मध्यान्ह भोजन MDM से रिलेटेड भी चीज़ें सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, तो वहीं गर्भवती महिलाओं को भी टारगेट करके उनको एक प्रकार से पोषण देने का प्रयास चल रहा है ना। वहीं मनरेगा संबंधित भी प्रयास चल रहे हैं, तो कई रोजगार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा, साथ किसानों को भी टारगेट करके किसान सम्मान निधि भी हाल ही में चलाई गई, तो उनको डायरेक्ट ट्रांसफर ही उनके अकाउंट में किया जा रहा है। तो इस प्रकार के सरकार जो है तो इनिशिएटिव चला रही है ना, इतने सार्थक प्रयास मतलब कि सरकार के चल रहे हैं। तो इसमें भी जो है तो इस भारत के संदर्भ में तो जैसे कुछ दूसरी रिपोर्ट भी बात यहाँ पर राइटर के द्वारा की गई है कि जैसे वर्ल्ड डाटा लैब के अनुसार जो 2030 तक भारत में केवल 30 लाख लोग ही अति गरीब की श्रेणी में होंगे, है ना। ये इन्होंने एक मतलब कि एक रिपोर्ट यहाँ पास बताई कि 30 तक जो भारत में केवल लगभग 30 लाख लोग ही अति गरीब की श्रेणी में होंगे। वहीं ब्रुकिंग्स के फ्यूचर डेवलपमेंट ब्लॉग में प्रकाशित जो अध्ययन है उसके अनुसार हर मिनट 44 भारतीय अत्यंत गरीबी की श्रेणी से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि यहाँ पास राइटर का मतलब कि मतलब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत जो है तो दिन प्रतिदिन यहाँ पास मतलब कि हर साल गरीबी से भारत मतलब कि सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है ना, गरीबी से मुक्ति की तरफ भारत बढ़ रहा है, फिर भी इस प्रकार की इतनी दयनीय स्थिति भारत की कैसे हो सकती है ना। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे स्वीकार किया है कि वर्ल्ड डाटा लैब ने जो जैसे कहा है कि 2018 में भारत में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 4.3% और शहरी क्षेत्र में 3.8% आबादी को गरीब माना जाएगा, है ना। वहीं ब्रुकिंग्स कहता है कि 2022 तक भारत में अत्यंत गरीब जनसंख्या केवल 3% होगी, इतनी कम रह जाएगी। तो इनका भी मानना है कि जैसे 2030 तक भारत से अत्यंत गरीबी की जो पैमाने वाली जो आबादी है पूरी तरह से एक प्रकार से न के बराबर बचेगी। वहीं वर्ल्ड डेटा लैब की माने तो हो सकता है कि भारत में करीब लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 1.9 डॉलर प्रति दिन पर गुजारा करते हैं ना गरीबी के स्तर में। तो इस संदर्भ में यदि बात करें तो कि इस प्रकार से यदि गरीबी का स्तर घट रहा है तो भूख सूचकांक में हमारा स्थान इतना नीचे कैसे हो सकता है, यहाँ पर राइटर द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है ना। कि अदर डाटा में तो स्थिति भारत की मतलब कि गरीबी, भुखमरी में अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है, फिर इस सूचकांक में भारत का स्तर किस प्रकार से कैसे नीचे जा सकता है ना। जिन मानव संस्थाओं ने तो गरीबी कम होने पर अध्ययन किया है तो उनके कारण भी बताने उन्होंने मतलब कि उनका वाजिब कारण भी बताया है, और उसमें भी रोजगार कार्यक्रम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधारभूत संरचनाओं का विकास, पोषण योजनाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनमें जो सुधार हो रहा है ना, साथ ही शौचालय निर्माण, पक्के मकान, बेहतर सड़कें आदि को भी उन्होंने शामिल किया है इसमें। अगर हमारे यहाँ भुखमरी है तो गरीबी घटने का आंकड़ा ऐसा नहीं आना चाहिए, है ना। भारत के बारे में और भी कई रिपोर्ट हैं जिनमें सामाजिक आर्थिक प्रगति के मान्य तय दिए गए हैं। आम आदमी की समस्या और परेशानी सबके सामने है कि तो भारत में भूख का ऐसा भयावह चेहरा नहीं, मतलब कि राइटर यहाँ पास पूरी तरह से इस रिपोर्ट को ज़्यादा मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हैं और रिपोर्टों का हवाला दे करके, है ना। लेकिन निश्चित तौर पे ये समस्या तो भारत की एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण है, उसमें उसको कोई डिनाई नहीं किया जा सकता है ना। तो इस दिशा में सरकार को निश्चित तौर पे सार्थक प्रयास करना चाहिए। भारत ने मतलब काफ़ी कुछ कदम इस दिशा में उठाए भी है, जैसे कि राष्ट्रीय पोषण अभियान भी सरकार ने मार्च 2018 में शुरू किया गया है ना, उसी में 2022 तक सरकार ने जो है तो पूरी तरह से मतलब कि कुपोषण को मुक्त मतलब ख़त्म करने की बात सरकार टारगेट भी बनाए हुए है ना। साथ ही साथ सालाना 2 से 3% तक इनमें कमी भी लाने का प्रयास सरकार कर रही है। तो इस तरह सरकार द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें मतलब कि और ज़्यादा प्रयास किए जाने की ज़रूरत है ना। तो बस आज के इस आर्टिकल में दोस्तों इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इतना ही, बस धन्यवाद।